उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा 19 और 20 दिसंबर को फायरमैन, जेल वार्डन और घुड़सवार पुलिस की भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने को लेकर जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन की अध्यक्षता में संबंधित अधिकारियों की बैठक एनएक्सी भवन के सभागार में सम्पन्न हुई। गौरतलब है कि जिले में 19 व 20 दिसंबर को 35 केंद्रों पर आयोजित परीक्षा में 30,285 अभ्यर्थी शामिल होंगे। बैठक में SSP जोगेंद्र कुमार, ADM सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, SP सिटी सोनम कुमार, SP नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे, SP ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला, SP क्राइम अशोक कुमार वर्मा, CO कैंट सुमित शुक्ला, CO कोतवाली BP सिंह, CO कैंपियरगंज ASP राहुल भाटी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बताया गया कि परीक्षा केंद्रों पर उचित व्यवस्थाएं की गई है। अभ्यर्थी एक बार परीक्षा केंद्रों में प्रवेश करने के बाद परीक्षा समाप्त होने के बाद ही बाहर आ सकेंगे। प्रत्येक केंद्र का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। केंद्र पर कर्मचारी भी मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। हर 5 केंद्रों पर एक CO को नोडल अधिकारी बनाया गया है। CCTV कैमरे लगाए गए हैं जिससे निगरानी की जा सके। सॉल्वर गैंग पर नजर रखने के लिए पुलिस की एक टीम अलग से रहेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने कहा, प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक इंस्पेक्टर लेवल का एक मुख्य केंद्र प्रभारी सेंटर इंचार्ज के रूप में और बाकी पहले नोडल ऑफिसर साहब और वहां पर एक सेक्टर ऑफिसर भी नियुक्त करेंगे। हर 3 सेंटर पर वो रहेगा। ये DM साहब के जो ऑफिसर हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट लगते हैं उसके अतिरिक्त पुलिस विभाग से गठित ऑफिसर कर्मियों की नियुक्ति इंस्पेक्टर्स रैंक का पुलिस ऑफिसर सशस्त्र पुलिस सेंटर रहेगा और सेंटर का इंचार्ज होगा। यही सेंटर का इंचार्ज मुख्य केंद्र प्रभारी भी कहलाएगा और कार्यदायी संस्था का भी एक सेंटर मैनेजर उनके साथ स्ट्रॉन्ग रूम से परीक्षा की गोपनीय सामग्री लेके जाएगा। यानी हमारे इंस्पेक्टर साहब एजेंसी का जो भी और अधिकारी नियुक्त है सेंटर मैनेजर कहलाता है, ये आपके साथ गोपनीय सामग्री लेके जाएगा। आपकी गोपनीय सामग्री केंद्र वाइज रखी है, उसका कोड और विद्यालय का नाम इंस्पेक्टर साहबान स्वयं मिला लेंगे और हमारा सेंटर मैनेजर जो एजेंसी की तरफ से नियुक्त है वो भी इस चीज का मिलान कर लेगा। किसी भी परिस्थिति में कोड में किसी भी प्रकार का संशय मिले, एक कोड है जैसे आपके सेंटर का और उसका नाम भी एक ही है, अगर जरा सी भी भिन्नता मिलती है तो आप वहाँ के नोडल ऑफिसर को तत्काल बताएंगे, CCTV साहब को, या मैं वहां होगा तो मैं उसको बता देंगे, उस बॉक्स को हम लोग रेक्टिफाई करके ही आपको देंगे। तो आप लोगों को अर्ली मॉर्निंग जब निकलेंगे वहां से तो ये चीज देख के निकलनी है कि आपके सेंटर के सारे बॉक्स आपके सेंटर के हैं, के लिए ब्लू कलर और ग्रीन कलर के पैकेट्स दिए जाएंगे रंग लगे हैं और ऑरेंज कलर और इसके येलो कलर, ये 2 कलर के पैकेट्स आपको 20 तारीख को दिए जाएंगे। सेंटर प्रभारी आपके कार्यदायी संस्था द्वारा दिए गए वाहन से कार्यदायी संस्था के सेंटर मैनेजर के साथ अपनी सामग्री को लेकर परीक्षा केंद्र में जाएंगे। सेंटर इंचार्ज परीक्षा उपरांत व्यवहार की सुनाएंगे। एक सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति भी CCTV की मॉनिटरिंग के रूप जो करना है, CCTV आपके हर परीक्षा कक्ष में लगा है उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए SSP साहब एक सब इंस्पेक्टर को DVR देखने को देख पाए, तो इसलिए इस तरह से DVR की पूरी व्यवस्था के सब इंस्पेक्टर देखेंगे। प्रवेश द्वार पर भी आपके SI रहेंगे, ऑफिसर ड्यूटी पर रहेंगे और पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त पुलिस बल भी वहां पर लगेगी। कैंडिडेट की चेकिंग और कैंडिडेट की पहचान सुनिश्चित की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था के अधिकृत कर्मचारी की होगी। जो आपका एजेंसी एग्जाम करा रही है उस एजेंसी के ऑफिसर की जिम्मेदारी होगी और वहां के प्रिंसिपल साहबान की जिम्मेदारी होगी कि किसी टीचर को वहां पर लगा दे जो आई कार्ड से चेहरे मिलाकर ही अंतर कराए, किसी भी प्रकार में आपका कोई छदम व्यक्ति इस परीक्षा में अटेयर ना हो पाए, ये जिम्मेदारी मुख्य रूप से कार्यदायी एजेंसी को दी गई है। परीक्षा केंद्र पर तैनात पुलिस अधिकारी अपने साथ मोबाइल फोन नहीं रखेंगे, ऐसे निर्देश बुकलेट में है। बाकी सभी लोग बच्चे अपना मोबाइल फोन लेंगे या आपका स्टाफ मोबाइल फोन लेके सेंटर के अंदर एंटर नहीं करेगा। प्रत्येक रूट पर रूट अधिकारी की नियुक्ति की गई है जो SI के अधिकारी भी उनके साथ रहेंगे। तीनों के कोऑर्डिनेशन से ये परीक्षा की
इसलिए आपस में किसी भी प्रकार का मतभेद हो के उस संशय को दूर कर ले, अन्यथा हम लोगों से एसपीसीबी साहब से कंसल्ट कर ले इसके संबंध में हमें क्या करना हो सकती है, घंटी भी हो सकती है, जैसा बता रहे हैं कि एक डेढ़ घंटा हो गया या 10 मिनट भी होता है, उसमें भी पूछता है कि ये समझ रहे हैं कि लाइन पता लगना चाहिए बच्चे को, ये ध्यान रहे 10 से 12 का टाइम है तो टाइम का पता तो होना चाहिए, उसको कोई तरीका तो होना चाहिए उसका, ठीक है। उसी के हिसाब से उनको अगवा भी आएंगे, एक दिन में नहीं दो दिन का परीक्षा था और इस पे भारी मात्रा में आएंगे लोग, और उसी के संबंधित जो समस्या भी आ जाएगा साथ साथ, ताकि जो पूर्वांचल में आसपास का 10-15 जनपद लोग यहाँ सेंटर बनाए होंगे कल से ही आना शुरू कर देंगे, तो कल से ही आएंगे यहाँ आगे हर जगह, तो फिर हम लोग को उसी संबंधित यानी जाम का समस्या रहेगा। मैं आर रोडवेज का आप लोगों को एक्स्ट्रा बसेस के लिए लिख देता हूँ कहाँ कहाँ किसी रूट में ज़्यादा बसेस चलाना वो चलाएंगे, बट लोकल लेवल पर मैनेज करना तो हम लोग की जिम्मेदारी रहता है। लेकिन वैसे यहाँ किसी गोरखपुर में तो काम समस्या होता है, समय से वो सेंटर में पहुँच नहीं पाता बच्चा, उसी की वजह क्या होता है तो हर बार तो एग्जाम के समय में मुझे और कप्तान सर फोन आया साहब मैं तो समय से पहुंच गया हूँ, गेट बंद हो गया, हम लोग भारी मात्रा में भारी लोग खड़े हैं, हम लोग का जो जानबूझ करके भगाया जा रहा, तो कहीं कहीं थोड़ा तनाव की स्थिति भी हो जाता है, तो कुछ दिन पहले भी कुछ घटना होती तो लेट की वजह बड़ा इश्यू हो गया, प्रशासन को लिखना पड़ा कैंसिलेशन के लिए, अब ये भले ही हम लोग के दिशा में तो बड़ा इशू नहीं बट उनके लिए तो लाइफ का सवाल है, इसलिए जो इंडिविजुअल अगर गेट पे है उनको ध्यान देना होगा कि किस समय में वो बंद कर रहे हैं, वो सोच समझ के बंद करें और पहले ही कितना लोग अलाउ कर सकते हैं वो लेवल अलाउ करें, और ट्रैफिक जाम एक बड़ा इशू है, खासतौर पर जो नोडल पॉइंट होता है रेलवे स्टेशन से बच्चे एक सेंटर पर पहुँचते हैं, बस स्टेशन से सेंटर पर पहुँचते हैं, वो लिटरल मूवमेंट होता है बहुत होता है, जैसे संडे सैटरडे है ज़्यादा जाम तो रूटीन जाम नहीं होना चाहिए बट फिर भी तो बच्चे की वजह ज़्यादा होता है, इसलिए जो जगह जगह पे कम से कम जो ये एग्जाम सेंटर के आसपास कहीं जाम ना हो जाए, ताकि पहला पाली छूटने के बाद वहाँ तुरंत एक दो घंटे जाम लग जाता, पूरे बच्चे बाहर आते हैं उनका अगवा सब लोग जाते हैं, उसी के समय में साथ साथ दूसरे पाली वाले भी आते हैं जो सेकेंड पाली वाले, इसलिए तो कोई समस्या हो सकती है, इसलिए ट्रैफिक मैनेजमेंट पे पहले से प्लान करा करके तो ढंग से कराना होगा, और कहाँ कहाँ इन लोगों का रुकने के लिए व्यवस्था हम तो ज़्यादा जगह दे नहीं सकते, कुछ कुछ जगह तो हम लोग रेंट पे सर एहतियात के लिए तैयार रखते हैं, कोई बच्चे जरूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल तो कर सकते हैं, बट खुले में कोई बच्चे ना रह जाए उसको वो कर लें, आपको सीओ साहब ने इंश्योर कर लें आसपास कहीं कोई जगह उन लोग का जरूरत पड़ेगा तो देना है तो हम उसको फिर पीछे नहीं हटना चाहिए तो उसको भी व्यवस्था करा लेंगे, उन्हें एडीएम साहब और एडीएम सिटी साहब तो है उन लोग की जरूरत पड़ेगा तो उसी में वो करा लेंगे। देखिए तो 19-20 को यहाँ जो भर्ती बोर्ड के माध्यम से परीक्षा होने जा रही है, गोरखपुर तो बड़ा सेंटर है, तकरीबन 70 से 80 हज़ार लोग इस पे परीक्षार्थी के रूप से आएंगे, चार पाली में होगी, 19 तारीख को दो पाली है फिर 20 तारीख को दो पाली सुबह शाम, उसी टाइप का तो परीक्षा होगा, उसी के तैयारी के लिए हम लोग मार्गदर्शन दिए थे, उम्मीद करते हैं तो ये परीक्षा अच्छा से शांतिपूर्वक निस्तारण हो जाए और बच्चे का और जो जनता को आम जनता का कोई सुविधा असुविधा ना हो जाए, उसी के सबसे तैयारी किया।